नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा साक्षात्कार की श्रृंखलाओं में जिसका नाम हमने दिया है इनसे मिलिए, उसमें आज आपसे मुखातिब होंगे डॉक्टर साहब सैयद सादिक अली साहब। आप गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में उर्दू विभाग के अध्यक्ष हैं। ये तो एक प्रोफेशनल बात हुई, लेकिन ये इंटरव्यू क्यों किया जा रहा है उसके अलग मायने हैं। अगर मैं अतिशयोक्ति ना कर रहा हूँ तो आज डॉक्टर साहब की हैसियत राजस्थान या अपनी हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर विदेशों तक अपनी एक पहचान गढ़ चुकी है कि डॉक्टर साहब अपने शिक्षण कार्य के अलावा भी उन विषयों पर लगातार काम कर रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं और शोध कार्य जारी है इनका, जिससे बहुत सारे ऐसे तथ्य उजागर हो रहे हैं, ऐतिहासिक तथ्य भी उजागर हो रहे हैं जिनसे हम लोग वाकिफ नहीं थे। तो आज आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं डॉक्टर साहब सैयद सादिक साहब जी, आपका स्वागत है, आपने समय दिया। डॉक्टर साहब, बात शुरू करने से पहले मेरे सामने एक पहला प्रश्न ये आ रहा है कि अगर मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूँ तो रज़िया सुल्ताना के नाम से जो अपनी हिंदुस्तान की पहली महिला शासक रहीं, कैसे आपका रुझान हो गया अचानक कि आपने फिर इतना जीवन का इतना समय और इतना प्रयास इतना अध्ययन किया और ये बात उजागर करने की कोशिश करी कि एक्चुअली वास्तविकता क्या है रजिया के जीवन को लेकर और कहाँ उनका अंत हुआ, टोंक से उनका क्या रिश्ता रहा, उनके पिता का क्या रिश्ता रहा। ये सारी बातें आपने काफ़ी प्रयासों के बाद निकाल के लाए हैं और उसे आपने एक पुस्तक का आकार भी दिया है, जिसमें पहली पुस्तक है आपकी रजिया सुल्तान की शहादत, है ना। इसके बाद डॉक्टर साहब की एक किताब और आई है इसी पर, जिसमें है रजिया सुल्तान जीवन एवं कार्य। तो इतना डिटेल आपने अध्ययन किया है इसका, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? दरअसल मैं UGC का एक प्रोजेक्ट कर रहा था जी, और उसमें हमारे डिपार्टमेंट को कोई 34-35 हज़ार रुपये फील्ड वर्क करने के लिए दिए गए थे। ठीक है, जिसमें कुछ रुपया तो मैंने लिया, 17-18 हज़ार रुपये, बाकी हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट डॉक्टर रिफत अख्तर खान ने लिया। ठीक है, जो नगर फोर्ट की संस्कृति पर उन्होंने काम किया। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा मैंने जो काम किया था वो टोंक की बावड़ियाँ, कुएँ, हवेलियाँ, अच्छा, और यहाँ के मज़ारात, यहाँ के मज़ारों पे लगे हुए कदबे, मंदिरों में लगे हुए शिलालेख, इन चीज़ों को पढ़ने और उनसे मुतालिक एक एल्बम तैयार करने के लिए लिए थे। ठीक है, तो इसी सिलसिले में मैं पुरानी टोंक जब गया तो वहाँ मुझे कुछ लोगों ने बताया कि एक ऐसा मज़ार है जो बहुत ऊंचा बना हुआ है और उस पर कुछ निशानात भी हैं जी। मैं वहाँ पर गया, जाने के बाद में मैंने देखा तो उसके ऊपर कुछ 8 पहलू का एक तो स्टार बना हुआ था। अच्छा। एक मेहराब बनी हुई थी तावीज़ पर उसके। फिर वहाँ से गुजरने वाले लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये रजिया सुल्तान का मज़ार है। अच्छा। तो उस वक्त तो मुझे हंसी आई, क्योंकि मैं भी अपनी किताबों में यही पढ़ता आया था कि रजिया सुल्तान का तो इंतकाल जो है दिल्ली में हुआ था जी, और उनकी कब्र भी जो है बुलबुली खाना में है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि नहीं यही मज़ार है, फिर एक दो लोगों से और मैंने कंफर्म किया, उनसे पुराने लोगों से ही मिला, तो उन्होंने कहा नहीं, रजिया सुल्तान का मज़ार यही है और इस इलाके में उनकी फ़ौज यहाँ पर आकर ठहरी थी। अच्छा। और एक दौर ऐसा आया था कि जब वो वहाँ से बचकर भाग निकली थी तो यहीं पर दिल्ली के फौजियों ने उनका कत्ल कर दिया था। अच्छा अच्छा जी। अब मैंने जो है किताबें जब पढ़ी तो हिंदी की किताबों में लिखा हुआ था अगले दिन उनको मार दिया गया। ठीक है। एक किताब में लिखा मिला के साहब कैथल में जो है रजिया भाग निकली थी उनके भाई से, किससे युद्ध हुआ था? उनके भाई से युद्ध हुआ था बहराम शाह से, बहराम शाह से, और उनकी सेना से वो हार कर भाग निकली थी वहाँ से। ठीक है।
तो जब भाग निकली थी तो फिर मैंने उस ज़माने के जो समकालीन स्रोत हैं उनको टटोला, तो उसमें मुझे एकमात्र जो ओरिजिनल सोर्स नज़र आया जी वो था मिन्हाजुस सिराज की तबकात नासिरी। अच्छा, तबकात नासिरी दरअसल फ़ारसी में लिखी हुई किताब है और मेरे एमए में फ़ारसी भी थी और कुछ मैंने बचपन में ही फ़ारसी पढ़ी थी जी, जी। तो जब मैंने रज़िया वाला चैप्टर उसमें निकाला तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि रज़िया सुल्तान 24 रबीउल अव्वल 638 में शिकस्त खाई कैथल में। अच्छा, और 25 रबीउल आखिर 638 में उसको शहीद कर दिया गया। शहीद करने की जगह नहीं बताई गई। अच्छा, और तारीख ज़रूर लिखी गई। ठीक है, अब 24 रबीउल, अच्छा फिर इसके अलावा जो एच जी रेवर्टी हैं, इलियट हैं, इन्होंने हिंदुस्तानी इतिहास का जो है अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है। ठीक है, और उस तर्जुमे को जब मैंने पढ़ा तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि अगले दिन रज़िया को शहीद कर दिया गया। जबकि फारसी का जो असल मतन है, असल जो टेक्स्ट था, उस टेक्स्ट से ये पता चलता था कि वो अगला दिन नहीं था बल्कि एक माह और एक दिन का फासला था। अच्छा, 24 रबीउल अव्वल हम ये मान के चलते हैं जैसे 24 मार्च है। ठीक है, और 24 रबीउल आखिर 25 अप्रैल है जी। तो अब ये एक महीना और एक दिन का फासला हुआ। रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर को अंग्रेज़ी इतिहासकार गलत समझ गए। अच्छा, और उसके नतीजे में ये भ्रांति चली आई कि अगर रज़िया को अगले दिन मार दिया गया। ठीक है, तो जब अगले दिन उसको मार दिया गया तो लोगों ने सोचा कैथल में ही मारा होगा, क्योंकि उस ज़माने में युद्ध बंदियों के लिए एक नियम था कि जब सूर्यास्त हो जाया करता था और वो पकड़े जाते थे तो रात में उनको नहीं मारा जाता था। अच्छा, सुबह होने पर उनको कत्ल किया जाता था। ठीक है, तो यही लोगों ने मानकर रज़िया को अगले दिन मरा हुआ या शहीद किया हुआ मान लिया गया। इस बिना पर हरियाणा गवर्नमेंट ने, अच्छा, वहाँ पर एक पुराना मज़ार था उसे रज़िया सुल्ताना का मज़ार कहकर 58 लाख रुपये 2008 में लगा दिए और वो एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया। अच्छा, इससे पहले ये हुआ कि दिल्ली में बुलबुली खाना जो था इलाका, यानी जितने भी दासवंश के शासक हैं सबके मज़ार तो मेहरौली में है। अच्छा, लेकिन एक रज़िया का एकमात्र मज़ार जो है वो बुलबुली खाना स्थित एक पतली सी गली में जाकर बताया जाता है। जी जी, उस मज़ार को मैंने भी देखा जाकर, तो वो मज़ार बिल्कुल सिंपल है, कहीं पर भी उस पर कोई शाही निशान नहीं है, ना वो ये ऐसा लगता कि किसी ख़ास आदमी का बना हुआ होगा। ठीक, तो जब उस मज़ार को, टोंक के मज़ार को मैंने कंपैरिजन किया उसका जी, तो नज़र आया कि ये मज़ार तो शाही मज़ार है और इस पर जो बना हुआ चिन्ह है वो दासवंश का शाही निशान है। ठीक है, और जो मेहराब बनी हुई है वो भी तुर्की मेहराब है। अच्छा, और फिर जो उस मज़ार की हाइट थी ज़मीन से तकरीबन 8 फीट ऊंचा। अच्छा, और 20x20 के चबूतरे पर बना हुआ मज़ार जिस पर शाही निशानात भी मौजूद हों, तो इस मज़ार की पुष्टि हुई। और दूसरा, जब मिन्हाजुस सिराज की किताब में ये निकला कि एक महीना एक दिन बाद रज़िया को शहीद किया गया, तो अब इस एक महीना और एक महीने एक दिन के बीच का जो फासला है उसको हमारे इतिहासकारों ने बिल्कुल गायब कर दिया और ये मानते हुए चलते रहे कि अगले दिन उसको मार दिया गया, तो ये भ्रांति बन गई कि रज़िया का मज़ार टोंक में नहीं हो सकता। ठीक है, अब जहाँ तक मैंने स्टडी की रज़िया के बारे में तो मुझे ये पता चला कि रज़िया 1226 में इल्तुतमिश ने जब रणथंभौर को फतेह किया था तो रज़िया की उम्र मात्र 9-10 बरस की थी, लेकिन वो उसको बचपन से ही शौक़ इस टाइप का था कि वो फौजी ज़िंदगी को ज़्यादा पसंद करती थी, तो वो दीनियात से के अलावा भी फौजी ज़िंदगी में घुड़सवारी, तलवारबाजी और इसके अलावा हाथी की सवारी, तीरंदाजी, इन सब में उनको महारत हासिल थी और याकूत उनके जो है वो अतालीक थे, उनके संरक्षक थे, एक तरीके से उनके ट्यूटर थे। ठीक है, और चूंकि वो इल्तुतमिश के भी बड़े वफ़ादार थे तो रज़िया को उन्होंने बड़े मोहब्बत से जो है ये कला सिखाई थी और वो उसमें पारंगत हो गई थी रज़िया। ठीक है, तो 1226 में जब रज़िया इल्तुतमिश के साथ में आई तो टोंक में जो इलाका जहाँ पर रज़िया का आज मज़ार है जी, वो दरिया शाह की बावड़ी वाला इलाका कहलाता है। अच्छा, पास में ही जो एक हीरा चौक है जो कहा यह जाता है कि वो पृथ्वीराज चौहान की माँ जो थी हीरा कंवर,
अच्छा उनके नाम पर जो है बनाया गया है। अच्छा। यहाँ पर दरअसल चौहानों का की भी हुकूमत रही है। ठीक है। और ये जो आज टोंक कहला रहा है ये तो अमीर खां का बनाया हुआ है। इससे पहले पुरानी टोंक जो था वो पूरा इलाका राजपूतों के कब्जे में रहा करता तंवर, था। तंवर यहाँ रहे शायद। तंवर रहे बाद में। बाद में आए। जी हाँ। सोलंकी भी रहे लेकिन चौहान डायनेस्टी तक जो है ये एक तरीके से खुद मुख्तार इलाका था। और यहाँ के चौहानों का मामला ये था कि जब कभी भी दिल्ली में कोई कमज़ोर बादशाह गद्दी पर बैठता था जी तो वो उससे बगावत करके अपने आप को आज़ाद कर घोषित कर दिया करते थे। हाँ। तो जैसे ही ये रज़िया को हटाया गया और वहाँ पर बहराम शाह को बैठा दिया गया तो उन्होंने बगावत की और उसको वहाँ से निकालने की कोशिश की। रज़िया का रवैया चूँकि रणथंभौर वालों से पहले भी अच्छा था। जब रज़िया का काल था 1236 से 1240 तो 1238 में रज़िया की फ़ौज को चौहानों ने घेर लिया था और घेरने के बाद में उनको बंदी बना लिया था। तो रज़िया ने अपने सिपह सालार को भेज कर अपनी फ़ौज को विड्रॉ कर लिया था। लड़ी नहीं वो उनसे। अच्छा। उन्होंने उनकी ताकत को मान लिया, इन्होंने उनकी ताकत को मान लिया। दोनों में एक तरीके से अंडरग्राउंड एक तरीके से ये समझौता हो गया कि हमें आपस में लड़ना नहीं है। ठीक है। तो रज़िया के इस रवैये से वो बहुत खुश थे कि ये हम पर जो है हुकूमत करने नहीं है बल्कि हमें साथ लेकर चलने के लिए आई है। तो जब 1239 में रज़िया को वहाँ से भागना पड़ा कैथल से, तो रज़िया के पास में एकमात्र रास्ता भागने का था वो या तो मुल्तान जाती। अच्छा। या लाहौर जाती या राजपूताना जाती। ठीक। तो मुल्तान और लाहौर दोनों इलाके तुर्कों के पास थे जिनसे वो जंग लड़ रही थी। तो अब उनके पास तो वो जा नहीं सकती थी क्योंकि वो उसके भाई के सूबेदार थे। ठीक है। अगर उनके पास जाती तो वो उसको पकड़ के और उनके हवाले कर देते। तो वो राजपूताना इसलिए आई कि राजपूतों की मदद से ही वो जंग लड़ रही थी अभी। ये प्रिडिक्शन है ये। हाँ बिल्कुल। राजपूतों की राजपूत जाट और खोकर इन तीनों से मिलकर भटिंडा से उसने हमला किया था इनके ऊपर। ठीक है। तुर्कों पर। तुर्कों। तो तुर्कों पर हमला किया लेकिन बदकिस्मती से उसकी हार हुई। तो अब वो भागने के लिए उसको कोई जगह अगर मिल सकती थी तो वो राजपूताना बिल्कुल सेफ इलाका था। इस वजह से वो रणथंभौर के इलाके में आई और चूंकि टोंक वाला इलाका उसका देखा भाला था। ठीक है। क्योंकि जब इल्तुतमिश जंग लड़ रहे थे तो उसकी जो रिजर्व फौज थी वो रज़िया की कमान में पुरानी टोंक के एरिए में ही रहा करती थी। अच्छा। आज उस एरिए के अंदर एक छोटा तकिया कहलाता है आज जी, किसी जी, ज़माने में उसे रज़िया का मज़ार रज़िया का महल कहा जाता था। अच्छा अच्छा। उसमें एक पत्थर का एक तख्त बना हुआ है। बड़ी चौकी। जी हाँ 6x15 के करीब उसका साइज़ है। काफ़ी और सिंगल पत्थर का है वो। उसे रज़िया का तख्त कहते हैं आज भी वहाँ के लोग। अच्छा। तो ये कुछ यादें उससे रज़िया से जुड़ी हुई आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो जब रज़िया यहाँ पर चली आई भैंस बदल कर रही लेकिन चूंकि दो बार वो भाग चुकी थी तो दिल्ली सल्तनत वाले जानते थे कि रज़िया हमारे लिए हमेशा ख़तरा बनी रहेगी। ठीक। तो उन्होंने एक फ़ौज की पूरी टुकड़ी उसके पीछे लगा रखी थी और वो उसका पीछा करते करते टोंक में भी चली आई। तो दरिया शाह के इलाके में जब वो भैंस बदल कर रह रही थी जासूसों की खबर देने पर जब रज़िया को पहचाना गया तो दोनों तरफ से जंग हुई। रज़िया के पास में सिपाही गिने चुने थे लेकिन सब बहादुरी से लड़े और वहीं पर शहीद हो गए। तो आज भी वहाँ पर वो पुराना कब्रिस्तान मौजूद है। अच्छा। रज़िया के आसपास भी कई मज़ार हैं जो उस ज़माने की यादगार हैं। ठीक है। तो इस तरीके से रज़िया का मज़ार वहाँ पर बना। चूँकि उसके भाई से ही जंग हो रही थी तो मज़ार उसको बनाना था और बनाने वाले जो थे कारीगर उनमें रज़िया के लिए हमदर्दी थी इसलिए उन्होंने एक तरीके से होशियारी ये की कि उसमें जो पत्थर जमाए जाते हैं। हाँ वो कमाल। हाँ, है। हाँ उन पत्थरों को जो जमाया है जी वो इस तरीके से जमाया है कि दो पत्थरों के बीच में जब धूल जमा हो जाती है। हाँ। और उसमें बरसात के अंदर घास जब उगती है तो उस पर सुल्तानुल हिंद रज़िया लिखा हुआ होता है। क्या बात। ये मैंने अपनी कैलीग्राफी के अंदर भी उसमें शो किया है। हाँ। कि ये एक तरीके से कूट भाषा है उस ज़माने की। मज़ार पे कदबे नहीं लगते थे। कदबे तो मुग़लों के टाइम में लगना शुरू हुए लेकिन कूट भाषा का जो चलन था वो बहुत पहले से था और ये रज़िया के मज़ार पर भी वो हमें देखने को मिलता है। उस पर आज भी हम सुल्तानुल हिंद रज़िया लिखा हुआ देख सकते हैं। उसके नीचे एक मज़ार है। अच्छा। जिसको याकूत का मज़ार कहते हैं। अच्छा। लेकिन याकूत के लिए हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है कि साहब उसको भटिंडा में शहीद कर दिया गया। अच्छा। मैं उसको यूँ नहीं मानता क्योंकि याकूत इतनी बड़ी ताकत था कि जब रज़िया ने उसको अमीरुल आखूर बनाया
जी। और बल्कि अमीरुल उमरा बना दिया, सबसे बड़ा अपना हाँ। सरदार बना दिया, तो उसके पूरे अबिसिनिया के जो हबशी थे वो पूरी फौज का एक दस्ता उनके साथ में रहा करता था जी, और वो सारे लहीम शहीम सात सात साढ़े सात सात फीट के आदमी हुआ करते थे, तो वो तुर्कों पर कहीं मजबूत साबित होते थे। तो याकूत को इस तरीके से मार देना नामुमकिन था। ठीक है, रज़िया को कमज़ोर कर देने के लिए उन्होंने ये अफवाह उड़ाई कि याकूत को मार दिया गया ताकि ये रज़िया टूट जाए, कमज़ोर हो जाए, और रज़िया को जो है भटिंडा के किला में क़ैद कर दिया गया। अच्छा, अब रज़िया के रमज़ान भी वहीं गुजरे, ईद वहीं गुजरी, बकरीद वहीं गुजरी, फिर उसके बाद में अल्तुनिया जिसने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि याकूत से उसके नाजायज़ संबंध हैं, हाँ हाँ, उसने उसके पास में निकाह का प्रपोज़ल भेजा। ठीक है, ये इस बात का सबूत है कि रज़िया और याकूत के नाजायज़ संबंध नहीं थे। नहीं, अगर नाजायज़ संबंध होते तो वही शख्स उससे शादी करने के लिए तैयार ना होता। सही, उस ज़माने के लोग इतने गैरतमंद तो होते थे। सही, तो ये रज़िया ने देखा कि इस तरीके से ज़िंदगी अपनी बंदी होकर ही गुजर जाएगी, तो उसने अपनी एक शर्त रखी कि शादी तो मैं कर लूँगी लेकिन दिल्ली सल्तनत पर हमला करके उसको हासिल करना है। अच्छा, अच्छा। तो अल्तुनिया ने उससे रजामंदी दिखाई और उसने और हमला किया, लेकिन चूंकि हड़बड़ाहट में हमला हुआ था, 10-15 दिन की तैयारी में ही हमला किया था, और दिल्ली की फ़ौज जो है ट्रेंड थी और उनका सिपह सालार उस ज़माने में बलबंद था जो बाद में बहुत मजबूत सुल्तान भी बना, तो उनको शिकस्त हुई, वहाँ से ये भाग निकले, दोनों आ गए। आने के बाद में फिर इन्होंने तैयारी की, इनके साथ में जाट, राजपूत और खोकर, इन्होंने मदद की, और ज़मींदार वगैरह सब इनके साथ लगे हुए थे कि दिल्ली को हम लूटेंगे, जो हमारे हिस्से में आएगा हम ले लेंगे और बाकी जो है सल्तनत आप ले लेना। तो इस पर उनकी रजामंदी हुई और दोनों तरफ से जंग हुई। जंग में चूँकि ये भी अनट्रेंड थे रज़िया के सिपाही अभी भी, तो इनको मजबूर होकर जब दिखे लगा कि शिकस्त होने वाली है, तो अल्तुनिया और रज़िया दोनों वहाँ से भाग निकले। तो अल्तुनिया तो सिरमौर सरहिंद की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भागते हुए पकड़े गए, वहीं मार दिया गया उनको, लेकिन रज़िया जो है राजपूताना निकली आई और यहाँ भेष बदल कर अपनी ताकत और को बढ़ाने के लिए, राजपूत जो घराने थे जो ठिकाने थे उनसे समझौता करने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहीं, और वो अपने पैक्ट करने वाली थी कि इसी बीच में दिल्ली की सल्तनत की फ़ौज ने उन पर हमला किया और यहाँ उनको शहीद कर दिया। अब चूंकि रज़िया इतनी पॉपुलर थी कि अगर रज़िया की लाश को दिल्ली ले जाया जाता तो वहाँ दिल्ली के लोग बगावत कर देते, बहराम शाह के लिए एक मुसीबत बन जाती, तो उन्होंने दिल्ली में ले जाने के बजाय टोंक में उनका मज़ार बनाया और वहाँ जाकर ये अफवाह उड़ा दी कि उसको डाकुओं ने मार दिया, सोने जेवरात की लालच में डाकुओं ने मार दिया। ऐसा नहीं था, लोग खामोश हो गए, एक सल्तनत गई थी दूसरी सल्तनत बन गई, लेकिन जो कूट भाषा को जब पढ़ा गया उससे ये पता चलता है कि ये जो टोंक में स्थित मज़ार है वो रज़िया सुल्तान का ही मज़ार है, किसी और का मज़ार नहीं है। याकूत वाले कैसे कंफर्म कर रहे हैं? याकूत वाले मज़ार पर भी वही बात लिखी हुई है जो मैंने अच्छा। आपको बताई है रज़िया जी, जी जी। याकूत का लकब कुव्वतुल मुल्क दिया गया था, जमालुद्दीन उनका नाम था और याकूत वो कहलाते थे। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड कुव्वतुल मुल्क, जमालुद्दीन, याकूत, अच्छा, ये उनके मज़ारों के पत्थरों को जोड़ने पर अच्छा जो मिट्टी से घास में उगता है वो निकलता है बाकायदा। अच्छा, इसको मैंने बाकायदा कलर भर के भी उसमें दिखाने की नहीं, आप लोग फूल वूल भी बिछा के फूल फूल बिछाए हैं, तो एक कलर के फूल से तो मैंने रज़िया लिखा, एक कलर के फूल से जो है सुल्तान लिखा, एक तीसरे कलर से जो है अलहिंद लिखा, तो सुल्तानुल हिंद रज़िया हुआ। ऐसी याकूत के मज़ार पर भी यही बात निकलती है, कुव्वतुल मुल्क, जमालुद्दीन, याकूत। अच्छा, तो ये बात प्रूव हो जाती है कि रज़िया याकूत के साथ में टोंक आए जब तक थे, और रज़िया के साथ में लड़ते लड़ते ही उन्होंने अपनी जान दी। जान। तो ये इनकी पूरी जो थीम है, सच्चाई जो है वो तो ये है। अब इतिहास सरकार का तो रवैया कुछ अलग ही है। सरकार में असल में माफ़ी के साथ ये कहूँगा कि उस ज़माने के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं फारसी और अरबी, उसको पढ़ने वाले हैं ही नहीं। आप आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर से लेकर वहाँ के किसी भी कार्मिक को देख लीजिए, कोई फारसी पढ़ने वाला नहीं है। जब क्लियर लिखा हुआ है किताब में कि 624 रबीउल अव्वल 638 और 25 रबीउल अव्वल 638, इन दोनों में एक महीना एक दिन का फासला है, तो सरकार मुझे सिर्फ ये बता दे कि इस एक महीने एक दिन का इतिहास कहाँ गया। कहाँ गया, सही कह। और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि अगर ये मज़ार रज़िया का नहीं है,
उनके पास तो पूरे वसाइल मौजूद है, सारे संसाधन मौजूद हैं जांच करने के। ठीक है, टोंक वाले मजार को ये बताएं कि रजिया का नहीं है तो ये किसका है, किसका है, क्योंकि टोंक में इतनी बड़ी हस्ती आज तक नहीं हुई कोई पैदा। सही, हमने अमीर खां के मजार को भी देखा है, वो 4 फीट की उसकी हाइट है, वो 4 फीट की हाइट पर जो है मजार को बनाया गया। अब ये 20 फीट की हाइट पर किसी का मजार बनाया जा रहा है, हाँ तो उस पर दास वंश के निशान मौजूद हैं और दास वंश के सारे शासकों के मज़ारा जो है मेहरौली में मौजूद है, सिर्फ रजिया का ही मज़ार मौजूद नहीं है। सही, और एक किताब भी लिखी गई है दिल्ली के मज़ारात पर। अच्छा, उसमें सारे मज़ारों का जिक्र है, रजिया के मज़ार का जिक्र नहीं है। नहीं है, ये तो अच्छी बात, ये एक हमारा पक्ष है उसमें। पक्ष है। इसके अलावा भी एक चीज़ और है, इब्ने बतूता का रहला। अच्छा, इब्ने बतूता के रहला में उन्होंने अलग अलग चैप्टर में वो लिखा है, तो जब दिल्ली के शासकों का जिक्र किया तो उसमें रजिया का जिक्र किया है, लेकिन दिल्ली की जो कब्रें और दरगाहें और मज़ारें हैं ना, उनका जब जिक्र किया है तो रजिया के मज़ार का जिक्र नहीं किया है। अब ज़्यादा प्रमाणिक जी हाँ, तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये पता चलता है कि दिल्ली में मज़ार नहीं। तो मतलब अफसरशाही के, ये सिर्फ ये है कि राजनीति है इसमें और कुछ अफसरशाही है, हाँ वो पढ़ना नहीं चाहते किसी चीज़ को, हिस्ट्री को खंगालना नहीं चाहते, जबकि अगर सच्चाई है तो उनको इतने बड़े इदारा रखने के लिए उन पर ये फर्ज बन जाता है बिल्कुल कि वो सच्चाई को सामने लेकर आए, ना कि जिसने सच्चाई सामने लाए हैं उसको परेशान किया जाए। नहीं, आपने तो मैंने बाकायदा RTI के तहत कई साल लगा दिए तो गोलमोल करके जवाब देते हैं, कोई ढंग का जवाब नहीं मिलता। और मैं ये कहता हूँ कि रजिया का मज़ार आप नहीं मान रहे तो बस सिर्फ ये बता दो कि वो मज़ार है किसका। ठीक, तो अगर उसके प्रूफ मिल जाते हैं तो मैं अपने दावे को विड्रॉ करने को तैयार हूँ। ये इस पर कवर पेज पे भी है जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जो ऊपर वाला जी हाँ रजिया का है और ये नीचे वाला ये जो है नीचे वाला याकूत का मज़ार है, क्योंकि ये ग़ुलाम थे इसलिए इनके मज़ार को नीचे रखा गया, सुल्तान के मज़ार को जो है ऊपर रखा गया। अरे डॉक्टर साहब, सारी बहुत सारी जानकारियाँ मिली और ये भी मालूम पड़ा अपन को कि अपनी सारी मेहनत क्योंकि किसी एक मंजिल पर नहीं पहुंच पा रही है, उसके पीछे कारण दूसरे हैं, लेकिन ये तो सच है कि तथ्य तो उजागर हो ही गए, आपकी सारी मेहनत से लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। इसके साथ ही आप मेरी जानकारी में आया था, एक किताब आपने और लिखी है टोंक के किसी नवाब को लेकर। जी उस बारे में कुछ बताएं। हाँ, मैंने टोंक नवाब अमीर खां पर लिखी थी। अच्छा, तो वो और उसमें टोंक नवाब अमीर खां कुछ तारीखी हकायक। अच्छा, अक्सर लोग इनको ये समझते हैं कि ये पिंडारी थे, लुटेरे थे, दादागिरी करते थे। ठीक है, तो उस ज़माने का जो सिस्टम था मराठों का वो यही था कि चौथ वसूल किया करते थे ये। ठीक है, जो भी राजे महाराजे रजवाड़े हुआ करते थे वो टैक्स लेते थे अपनी प्रजा से और उन राजा महाराजाओं से ये चौथ वसूल करके उनको प्रोटेक्ट किया करते थे। अच्छा, ठीक है भाई, तुम्हें जो है लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम हमें टैक्स दोगे तो तुम्हें किसी दूसरे को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही है, ये आजकल भी होता है, सरकार भी हमसे लेती है किसी ना किसी रूप में। नहीं, और वैसे भी देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, आज भी भाईगिरी तो चलती है, चल रही है। आप किसी भी कॉलोनी में जाओगे वहाँ पर किसी वहाँ के दादा को अगर अपने काबू में नहीं रखोगे या खुश नहीं रखोगे तो चैन से नहीं रह सकोगे। तो ये उस ज़माने का भी सिस्टम था और ये मैं समझता हूँ कयामत तक रहेगा, क्योंकि शक्ति जब तक है शक्ति का बोलबाला रहता ही है हमेशा। बिल्कुल सही है उसका। तो मैंने जब उनके बारे में स्टडी की तो उनके बहुत से पहलू ऐसे सामने आए कि उनमें बहुत ज़्यादा दीनदारी थी, क्योंकि उस ज़माने में लोग शराब पिया करते थे, राजा महाराजा अय्याशी किया करते थे, शराब शबाब शतरंज शायरी शिकार इनके शौक हुआ करते थे। ठीक है, और ये 5 जो शीन मैंने बताए ना आपको, सही कह रहे हैं, ये पूरी सल्तनतों को बर्बाद करने के लिए काफी रहे। यही आप पूरी हिस्ट्री को उठाकर देख लो, ये 5-6 उस सल्तनत को जवाल की तरफ ले गई है या बर्बादी की तरफ ले गई। बिल्कुल सही, अमीर खां इन 5ों से पाक थे। अच्छा, ये खास बात थी। शराब उन्होंने जिंदगी में नहीं पी, शबाब पे उन्होंने कभी भी नज़र नहीं डाली, और इसके अलावा शिकार को वो नहीं गए, खाते ज़रूर थे वो, लेकिन शिकार खेल के अपना वक्त ज़ाया नहीं करते थे वो। ठीक है, ये उनका रवैया। शतरंज उन्होंने नहीं खेली और शायरी में उनकी दिलचस्पी थी नहीं,
ठीक है। हालांकि उनके दौर में शायर थे, कभी कभार सुन लिया करते थे, लेकिन खुद शायरी करके अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं रखते थे, क्योंकि 24 घंटे आदमी को एक गुंतारा लगा रहता है और वो रियासत संभालने के लायक नहीं रहता। बिल्कुल सही। बहादुर शाह जफर के लिए कहा जाता है कि जब 1857 में अंग्रेजों ने उनके किले को घेरा तो रात को उनका मुशायरा था और वो फजर की नमाज के वक्त वो सोए थे, दोपहर में वो उठे थे, नाश्ता किया था जबकि अंग्रेजों की कचहरियां भी बंद हो चुकी थी, वो घर पे आके तैयार हो चुके थे और दोपहर बाद में जब उन्होंने कुंडी खटखटाई तो वो आंखें मलते हुए उठे थे बहादुर शाह जफर। वो क्या था? शायरी का नतीजा। शायरी था। सही कह रहे हैं। तो ये पांचों बुराइयों से एक नवाब उस दौर के अंदर बचा रहे तो ये उसके कैरेक्टर का एक बहुत मजबूत पहलू था जो उस जमाने के समकालीन किसी भी शासक में नहीं थे। और दूसरे ये कि बहादुरी उनकी इतनी थी कि अपने 200 सिपाहियों को लेकर जिस फौज का वो साथ दिया करते थे, चाहे सामने उसके हजारों की तादाद में फौज हो, ठीक है, पता चल जाए सामने अमीर खान उनकी मदद कर रहा है तो मोरल उनका डाउन हो जाता था और सामने वाली फौज को शिकस्त का मूड देखना पड़ता था। ठीक। तो ये उनकी एक धाक थी, धाक थी। और मैंने एक दो जंगें उनकी ऐसी देखी हैं कि सिर्फ 17 आदमी 4000 से लड़ने के लिए पहुंच गए, उनके पास मदद थी नहीं। और जसवंत राव ने कहा था कि मैं जो है वहाँ से फ्री होकर तुम्हें मदद के लिए आ जाऊँगा। इस बीच में सिंधिया की तरफ से जो है हमला हो गया, हमला जब हुआ तो इन्होंने अपने 17 साथियों को साथ में लेकर मोर्चा गाट लिया। उस 17 में से भी 9 आदमी जो है वहीं मर गए। अच्छा। और ये 8 के साथ में अच्छा वहाँ मौजूद रहे। क्या बात। और 8ों लड़ते रहे। इसी बीच में वहाँ पर 2000 का लश्कर जसवंत राव होलकर का आया, वो इनको मदद मिली और ये जंग को जीत कर आए। क्या बात। तो ये उनका की बहादुरी और जिगर था। एक बार इन्होंने किसी से चौथ वसूली का वो ले लिया कि मैं आपको चौथ वसूल करके दे दूं। अंग्रेजों से चौथ वसूली करनी थी और एक पंडित जी को जो है मराठों ने भेजा था, पंडित जी को देखा ढीले ढाले आदमी, भगा दिया उन्होंने। वो अमीर खां के पास आए कि भाई मुझे ऐसे ऐसे जो है ये चौथ देते नहीं है, 3 साल से इन्होंने देना बंद कर दिए, तो अगर आप मुझे दिला दो तो मैं आपको इतना इनाम दूंगा। तो अमीर खां ने कहा ठीक है। उनके पास में कुछ भी नहीं, मुश्किल से 50 या 100 आदमी थे, उन 100 आदमियों को लेकर गए वो। और उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर अपनी फौज का क़याम करना जहाँ पर पेड़ ज़्यादा लगे हों। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर रात में पेड़ों से लकड़ियाँ बांधी और अच्छा। लकड़ियों के ऊपर मशाले जला दी। क्या बात। और उन्होंने एक टेक्निक ये की कि पहले तो ये कहा कि जिस किले में अंग्रेज़ बंद हैं तुम जाकर 8-10 आदमी जाकर वहाँ पर कुंडी खटखटाना, एक आदमी दिखना उनको, जैसे ही वो किवाड़ खोलें उन सबको ज़ख्मी करके आ जाना। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही किया, वो ज़ख्मी करके जैसे ही आए थोड़ी देर बाद में अमीर खां और वो पंडित दोनों उनके वहाँ पर पहुँच गए किले में। ठीक है। अंग्रेज़ से बातचीत हुई कि भाई यहाँ कैसे आओ, कि भाई चौथ वसूली करने के लिए आए। अमीर खान ने बातचीत की उनसे, मतलब उनकी दिलेरी देखी आप, पूरे किले के अंदर 2 आदमी चले गए। ठीक है। और उन्होंने जाकर ये कहा कि हमें चौथ चाहिए और आज ही चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी आप बैठिए, थोड़ा नाश्ता वगैरह कीजिए। इस बीच में अंग्रेज़ ने ये कहा कि इनकी फ़ौज कितनी है हम ये देख लें, अगर मान लो फ़ौज अपने काबू में आने की है तो अभी इनको पकड़ लेते हैं अपन। तो उन्होंने जब भेजा तो वहाँ पे पेड़ों के ऊपर इन्होंने जो मशाले जला रखी थी और अंधेरे में जब देखा गया तो उनको ये लगा कि बहुत बड़ी फौज है। तो उसने आकर कहा कि साहब ये तो बहुत भारी फौज लेकर आए हैं, ऐसा ना हो कि हमें शिकस्त हो जाए और ये हमें तो मार डालेंगे। तो उन्होंने 3 साल की तो चौथ दी, इसके अलावा 3 लाख रुपया और इनाम में और दिया अमीर खां को, जो दिया जाना था कि ये आपके लिए और ये इनकी चौथ। तो ये बगैर मतलब उनकी कुछ रणनीति ऐसी रहा करती थी होशियारी की, फौजी चातुर्य उनमें इतना ज़बरदस्त था कि जिसकी बिना पर वो बगैर लड़े ही जंग को जीत जाया करते थे। दरअसल तो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रश्न और पूछना जी, समय अपने पास हो रहा है। आपने जो कुछ भी शोध से अपने निकाला और जो पहले उनके बारे में बताया गया, उसमें क्या क्या नयापन आया? हाँ, एक तो मैंने ये निकाला कि साहब ये जो पिंडारी इनको कहा जाता है, ये पिंडारी नहीं थे, अफगानी पठान थे, इनका बाकायदा शजरा है और ये सालार जई जो ख़ानदान था उससे ताल्लुक़ रखते थे और इनका ख़ानदान जो है मोहम्मद शाह के ज़माने में
संभल में आकर जो है आबाद हो गया था, और फिर वहाँ से अमीर ख़ान, उस ज़माने में कमाने के दो ही रास्ते थे, या तो कलम या तलवार, सही, या तो लिखा पढ़ी का काम या फिर तलवार का काम है, या फिर मजदूरी करो। ठीक है, तो इन्होंने तलवार को अपना साथी बनाया। ठीक है, और ये लोगों की नवाब भोपाल की खिदमत में भी रहे, सिंधिया की फ़ौज में भी रहे, इसके अलावा छोटे मोटे रजवाड़ों में भी रहे, लेकिन उम्र कम होने की वजह से इनको कई बार हटा दिया जाता था। ठीक है, और धीरे धीरे इनके साथ में काफ़िला जमता चला गया, और एक ज़माना वो था जब इनके पास में तकरीबन 1,00,000 फ़ौज थी। और एक चीज़ जो ख़ास नज़र आती है, सिराजुद्दौला को हम लड़ते हुए देखते हैं फ्रीडम फाइटर के रूप में। ठीक है, 1757 में वो लड़े और वो अंग्रेज़ों से शहीद हो गए। तो पहला जंग आज़ादी का शहीद 1757 में सिराजुद्दौला को माना जाता है, जिनकी शहादत पर राजा राम नारायण मौजू ने यह कहा था, गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। अरे वाह, तो ये उसको खुछा, खुछा हाँ, तो अपने अपने देश का जो है दीवाना बताया उसको, बिल्कुल, कि वो मर गया, तो उसके बाद में जो है बंगाल पर क्या बीती। तो दूसरे हम देखते हैं 1799 में टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। जी जी जी। 1857 में बहादुर शाह जफर को शिकस्त हुई, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। अब इन सब में एक सिमिलरिटी है जो अमीर खान में नहीं थी। अच्छा, ये सब जो जंगे लड़ रहे थे ये अपनी रियासत को बचाने के लिए जंग लड़ रहे थे, हालांकि हम इनकी कुर्बानी को मानते हैं, सब कुछ है, बिल्कुल सही, लेकिन ये अपनी रियासत को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से जंग लड़ रहे थे, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। अमीर खान अकेला फ्रीडम फाइटर ऐसा है जिसने ये कहा था कि मैं अंग्रेज़ों को भारत से निकालूंगा और हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है। अच्छी बात। और इसकी मदद के लिए मैं पहले सिखों के रणजीत सिंह के पास जाऊंगा, अगर वो मदद देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं काबुल जाऊंगा, वहाँ के शाह शुजा जो वो हैं बादशाह, उनको लेकर आऊंगा, अगर वो भी नहीं आते हैं तो मैं अपने पठान भाइयों को लेकर आऊँगा और अंग्रेज़ों पर हमला करके हिंदुस्तान से इनका मुकाबला करूँगा। तो ये उनका कौल था अमीर खां का। ये अमीर खां जो अंग्रेज़ों से जंग लड़ रहे थे सिर्फ अंग्रेज़ों से नफरत की वजह से लड़ रहे थे कि इनको अपने देश से निकालना है, और दूसरे ये अपनी रियासत के लिए जंग नहीं लड़ रहे थे क्योंकि ये, हाँ, ये कोई नवाब नहीं थे उस टाइम, बड़ा फ़र्क, ये सिर्फ अपने 70-75 हज़ार जो फौजी उनके साथ में रहा करते थे उनका पेट भरने के लिए लड़ रहे थे। ठीक, तो जो शख्स अपनी फौज की रोजी रोटी के लिए लड़ रहा हो, मैं समझता हूँ उनका मकसद और रियासत को बचाने वालों के मकसद में फ़र्क है। तो ये अमीर खान का ये किरदार था जिसकी वजह से मैं प्रेरित हुआ और मैंने उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं को पेश किया जो आम आदमी के सामने आने चाहिए। उस किताब में मैंने वो छोटे मोटी कहानियाँ जो उनसे जुड़ी हुई थी और जिनमें सच्चाई थी, जो बाकायदा ऐतिहासिक भी हैं, ऑथेंटिक भी हैं, उन सबको उसमें जमा किया है, और लोग उसको पढ़ते हैं तो उनका एक किरदार समझ में आता है। और इसी बिना पर हमने अभी 16 और 17 अगस्त को जो है एक इंटरनेशनल लेवल का एक अमीर खां पर वेबिनार किया था, ई कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर दुबई के, यूएसए के, यूके के विद्वान वगैरह जो है शामिल हुए थे, और तकरीबन 600 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया था, और कम से कम 60 पेपर जो है हमारे पास आ चुके हैं उसके लिए, उसको भी हम किताबी शक्ल में पब्लिश करेंगे। और मैं समझता हूँ उस किताब के पब्लिश होने के बाद में अमीर खान की ज़िंदगी के वो पहलू सामने आएंगे जो उस ज़माने के जितने भी राजा महाराजा थे, कैरेक्टर में तो उनसे अच्छे थे ही, इसमें कोई शक नहीं, जिस आदमी में ऐब ना हो और वो अपने प्रजा के लिए लड़ रहा हो, जिनकी फ़ौज में मराठे भी मौजूद हों, जिनकी फ़ौज में मतलब वो हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव रखते ही नहीं थे बिल्कुल ही, होली खेलते हुए भी हम उनको देखते हैं, दिवाली मनाते हुए भी हम उनको देखते हैं, अमीर नामा पूरा भरा हुआ पड़ा है, मुंशी बसवन लाल जो है उनके राइटर हैं, बिल्कुल, और जो रियासत का समझौता जो किया है उन्होंने वो भी एक इनके ज़रिए किया गया था, लाला निरंजन लाल के ज़रिए। तो अच्छा, दूसरे जब तक ये रियासत कायम रही तब तक यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो कायस्थ लोग रहे हैं हमेशा, तो ये इस यहाँ की सेकुलर रिवायत को हमेशा कायम रखा गया, और गंगा जमनी जो तहजीब नवाबों ने कायम रखी थी आज भी स्टॉक में मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा प्रश्न है, वो मुझे पता नहीं वो मौजूद है कि नहीं है इस बातचीत के दौरान, फिर भी बड़ा कन्फ्यूज़न है एक टर्म को लेकर। जी जी। वो टर्म है पिंडारीज, तो
कई बार ऐसा लगता है कि जब पिंडारी शब्द आता है तो थोड़ा सा एक अलगाव सा या इस शब्द को लेकर जताया जाता है कि हाँ नहीं नहीं हम नहीं थे लाइक डेट जी जी आम उसमें पब्लिकली, और उस पर विरोध भी हुआ। एक बहुत साल पहले एक पाठ्य पुस्तक में ही हो गया था, हाँ, उस पर भी बड़ा हंगामा हुआ और पिंडारी क्यों लिख दिया, पिंडारी क्यों लिख दिया, बड़ा हंगामा हुआ था मेरे उस समय। मैं भी उस समय से ही पत्रकारिता में हूँ, मुझे पता था। लेकिन ये पिंडारी क्या थे तो एक्चुअली ये इनसे अपन क्यों इतना अलगाव महसूस करते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ इनसे अलगाव निकलना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ पड़ा है कि किसी से कह दोगे पिंडारी थे तो वो एकदम से फायर्ड हो जाता बस है। वो खानदानी एतबार से तो ये वो लोग थे जो लूट मार किया करते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसमें हिंदू भी होते थे, मुसलमान भी होते थे, बिल्कुल सही है। और वो पिंड खजूर जो है उसकी शराब को ये पीते थे। हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा, चूंकि मजहब का इन पर कंट्रोल नहीं था, ठीक है, तो जो मजहबी रिवायतें होती हैं, जैसे मुसलमान है साहब हलाल करके खाएंगे, हिंदू भी है उसका भी एक तरीका है खाने का, वो जानवर को तकलीफ नहीं देते, सही। इनमें मामला ये नहीं था, इनमें ये है कि अगर भूख लग रही है आधा किलो काटना है तो आधा किलो काट लिया। कबीलाई जीवन था उनका, तो उस एतबार से तो ये किसी भी अच्छे खानदान वाले के लिए गाली हो गई। लेकिन मेरी नज़र में ये सबसे बड़े देशभक्त है, ठीक। उसकी वजह यह है कि अंग्रेजों से हर शख्स ने समझौता कर लिया, इन्होंने नहीं किया, पिंडारियों ने कभी समझौता नहीं किया। और अमीर खां से भी जब समझौता हुआ तो संधि में ये लिखा गया कि आप पिंडारियों को मदद नहीं करेंगे। अच्छा, ये शर्त लगाई थी, ठीक है। तो पिंडारियों को मदद नहीं करने का मतलब ये है कि वो अंग्रेजों के दुश्मन हैं, और इतने खतरनाक दुश्मन हैं कि अमीर खां से सबसे लास्ट में समझौता हुआ, उनको भी पाबंद कर दिया गया कि आप इनकी मदद नहीं करोगे, और पिंडारियों को अलग थलग डाल के अंग्रेजों ने उनको ख़त्म किया, ठीक है। तो जिसको अंग्रेज सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हों, मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा देशभक्त है, वो सही कह रहे हैं। तो इसलिए पिंडारी लफ्ज से हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, हाँ। हमें उनकी इज्जत करना चाहिए, उनका रहन सहन खान पान कुछ भी रहा हो वो अलग बात, लेकिन वो देश के लिए अंग्रेजों के तो खतरनाक दुश्मन थे। बिरसा मुंडा को लेकर अगर कोई एतराज करे तो समझ में नहीं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं आती। तो ये वही पिंडारी हैं जिनको हम देशभक्त कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें इन पर जो है एतराज नहीं करना चाहिए, उंगली नहीं उठाना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारा समय ले लिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिल गई जो जो हमारे दर्शक हैं, हमारे साथ शुभ चिंतक हैं, जो उसको देखेंगे तो कोई दो राय नहीं बनती कि वो सारी सच्चाइयों से वाकिफ होंगे, और बहुत मीनिंगफुल आपका काम वहाँ तक पहुँचेगा, आपकी आवाज़ में पहुँचेगा, तो हमें बहुत खुशी होगी जी। शुक्रिया आपका, बहुत आभार, शुक्रिया।